अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरखान उसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं ये खबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इसी तरीके की खबरें उसामी न्यूज़ लाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादतुल्लाह खान है, मेरी ज़मीन है वेंटापुर में। मैं मेरी ज़मीन के पास में आया था तो मेरे को रियाज, ताज और मोहिउद्दीन तीनों मिलके मारे, हाथों से मारे, लकड़ियों से मारे, रस्सी से मारे, फोड़े से मारे, लकड़ी और लोहे से मारे, मार के रस्सी से बंध दिए, अंदर गाड़ देते, बोले रस्सी से बंध के अंदर फेंक दिए थे, तेरे को यहाँ पे गाड़ देते, बल्कि बोले सब जने बहुत देर तक के जो है ना मेरे को बंद के रखे, मेरा फोन खींच लिए, मेरे जेब में से पेपर आ खींच लिए, मेरे गाड़ी की चाबी वगैरह सब खींच लिए थे। बाद में से शादी घर में कुछ फंक्शन हो रहा था, वहां से एक आदमी आया, बाजू में जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, पूरे छोटे छोटे बच्चे पीछे घर वाले देख रहे थे, आप उनसे पूछ ले सकते। फिर शादी में फंक्शन हो रहा था, वो लोग आगे देख के जो है ना थोड़ा सा मेरे को बचाए, मेरे फोन दिया, बोले तो मेरा फोन जो है ना जब तक के नहीं दिए, फिर बाद में से फोन लेके दिए, बाद में से मेरा फोन दिया, तो मैं फोन करके मेरे लोगों को बुलाया, भाई मेरे को बहुत मारे लोग, एक घंटे तक के मारते रहे मेरे को, ये मेरे मेरी जमीन पे मैं आया था तो मेरे को मारे। आपकी वजह क्या है मारने की? मेरी जमीन पे आया था तो मेरे को मारे लोग, ये जमीन इनकी है कहते, मेरी जमीन पे मैं आया था तो मारे मेरे को। कितने साल से रहते भाई यहाँ पे? पूरा मेरे घर है, ये 22 साल से मेरी जमीन है, मेरे घर रजिस्ट्री है, सब है मेरे पास। पुलिस भी आया 8 दिन से कम्प्लेन कर रहा हूँ पुलिस को, मेरे भाई है, इनकी बहन को मेरे घर में शादी भी करके दिए, 6 बच्चे हैं उसको, रिलेशन में चाहिए वहाँ पे, सैदाबाद के घर पे भी जुलम कर रहे हैं, सैदाबाद के घर पे भी जुलम कर रहे हैं। आप हैं कर देना तुम, हाँ देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, मेरी ये न्यूज़ आप बताइए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कमिश्नर और एसी साहब से इसके मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मेरे हस्बैंड को आज कॉल करके पुलिस वाले बुलाए वेंकटापुरम में बालापुर, तो मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़मीन के पास मेरी ज़मीन है वहाँ पे वेंकटापुर में, तो मेरे देवर के साले मेरे हस्बैंड को खूब मारे वहाँ पे, बन के मारे, मोहम्मद सादतुल्लाह खान बहुत मारे उनको वहाँ पे, उनको बंद के डाल दिया, बोले कि अब तेरे साले को भी बुला, तेरे सालों को भी मारता हूँ, बोल के मेरे भाई को कॉल करने लगा, फ़ोन छीन लिए उनका, और उनको डड्डी के अंदर बंद करके रखे कई घंटे तक, 2-3 घंटे तक उनको बंद करके मारते रहे अंदर। तीनों भाइयाँ हैं ये, ताज, रियाज, मोही और एक छोटे का नाम नहीं मालूम, 4 भाइयाँ मिलकर उनको खूब मारे अकेले में देख के, और उनको बंद करके रखे डोडी के अंदर, और बोले कंप्लेन करें पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, 8 दिन पहले हम पुलिस में कंप्लेन कर चुके हैं इस इनके बारे में, ये मेरी ज़मीन है, हम यहाँ नहीं रहते थे, हम बाहर रहते थे, हम अभी आ गए, उन लोग डोडी डालिए तो हम छोड़े थे कि चलो उनका गुजारा चल रहा है, अभी कहीं कुछ छेड़ना, बोल के हम नहीं छेड़े उनको, तो उन्होंने हमारी ज़मीन है, बल्कि आप कब्जा कर लिए हमारी, ये लोग ये मेरे हस्बैंड के मेरे भाई छे और मेरे देवर के साले है, ये मेरा छोटा देवर है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करें, मेरी ज़मीन मेरे को दिला दिया, और गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि मेरी ज़मीन मेरे को दिला दीजिए, इंसाफ करें, और सख्त एक्शन कीजिए, ऐसा सख्त लीजिए, गुंडों से छुटकारा मिलाइए हमको, और मेरे हस्बैंड अब आईवीसी हॉस्पिटल में है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उन्होंने इलाज चल रहा है उनका आईवीसी हॉस्पिटल में है, हम लोग वहीं ठहरे हुए हैं, और हमको अब डर है कि हमारे मेरी बच्चियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं मेरे पास, तो मेरे को डर है मेरी जान का मेरे बच्चों के लिए, और देखिए ये शर्त देखिए इतना मारे हैं उन्होंने के पूरा खून में लुतपुत कर दिए है, एक 50 साल के आदमी को 2-4 आदमी मिलके मारे हैं बंद करके, 53 ईयर्स के आदमी को इस तरीके से मारे उन लोग देखिए बंद करके, और गड़ा खोल दिया कहते वहाँ पे गड़े में डाल देते तेरे को हम यहाँ पे मार देते बोलते, और ये है देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे नाम पे है देखिए इरफाना बेगम, टैक्सी रसीद है पर्सन की,
पीछे कल की बन के आई सुमे, देखिए ये है, देखिए कल की 8,175 टैक्स बन के लेके आई मैं बिल। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और मेरी जमीन पर कब्जा कर लेके हमको ही मार रहे हैं अभी उल्टा। एक 50 दिया इसके ओल्ड आदमी को ऐसा मारते हैं चार भाई मिलके, और इसके पीछे मेरे देवर का हाथ है। मैं श्योरली बोल रही हूँ कि मेरे देवर ही आंख लगाया उसके सालों को मारो बोल के। जाने की वजह क्या थी? आज ISF ऑफिसर बुलाया था, पुलिस वाला बुलाया था उनको। मैं उनको बोली भी आज मत जाइए आप, तो जमीन पे हो बोले थे ना, पीएस को हो बोले थे, जमीन के पास ही आओ बोले हैं, पीएस के पास वो तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को बुलाया कॉल आया था तो मैं वही मत जाइए आप अकेले, होते नहीं ऑफिसर बुलाया ना जाके आता हूँ। 350 गज है मेरी जमीन, जमीन के वास्ते हो रहा है पूरा। जी हाँ, कैसे चल रही है ये? तकरीबन 8-10 दिन से चल रहा हूँ। आज फाइनल लड़ाई झगड़े पे आ गए? जी हाँ, अकेले नो गए उसको देख के, उनको बंद करके मार के हमेशा रस्सी से बंद दिए कमरे में, किडनैप कर दिए उनको, किडनैप कर लेके कमरे में बंद कर दिए, डोडी में ढकल दिए बंद करके। हमको पता भी नहीं चलता था, अगर उन साले को नहीं बोला बोलते तो हमको मालूम भी नहीं होता था कि हमारे हस्बैंड कहाँ हैं। हम ढूंढते रहते थे शाम तक नहीं आए तो। मोहम्मद सादतुल्ला खान, 53 ईयर ओल्ड। हमारे सवालों का नाम क्या है? रियाज, ताज, मोइन और एक छोटे का नाम नहीं मालूम मेरे को, बापू बोलते उसको बस। जमीन कहाँ पर है? वेंकटापुर। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? मालापुर।